sallallahu alayhi wa sallam ya nabi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ya nabi ya nabi ya nabi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान की फितरत में आगे बढ़ने का एक जज्बा रखा है। बेहतर से बेहतरीन और खूब से खूबतरीन की जस्तजू में इंसान हमेशा सरगर्दा फिरता है। ये सिफत फ़कत इंसानों के अंदर ही है, जानवरों के अंदर बिल्कुल नहीं है। 2000 साल पहले कबूतर ने जो घोंसला बनाया था, 2000 साल के बाद कबूतर वैसे ही घोंसला बना रहा है। और 2000 साल पहले चिड़िया ने जो अपना माला बनाया था, 2000 साल के बाद चिड़िया अपना माला वैसे ही बना रही है। अल्लाह ताला ने इंसान में अक़ल दी है तो अक़ल की बुनियाद पर इंसान आगे बढ़ रहा है कि इंसान साइकिल से रॉकेट तक पहुंचा, झोंपड़े से बंगले तक पहुंचा, छोटी दुकान से बड़े महल तक पहुंचा, कि अल्लाह ने इंसान में अक़ल का एक जज्बा रखा है आगे बढ़ने का। अब आगे बढ़ना दो तरह से होता है, एक आगे बढ़ना दुनिया के अतबार से होता है और एक आगे बढ़ना दीन के अतबार से होता है। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्गों में से हैं, ताबईन में से। उनकी वालिदा हज़रत उमर के यहाँ बांदी थी, जिन्होंने 120 सहाबा की ज़ियारत फरमाई है। कभी कभी उनकी वालिदा हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से कोई काम के लिए जाती थी। हसन बसरी छोटे थे, कभी कभी रोते तो हज़रत उमर की अहलिया ने उनको दूध पिलाया है। उनको किसी ने पूछा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला मुझे नजात दे दे और आखिरत में कामयाब कर दे, उसके लिए मुझे कोई अमल बताओ कि मुझे दुनिया में नजात मिले, आखिरत में कामयाबी मिले। बहुत बड़े आलिम, इल्म के समंदर, लेकिन एक सादे अंदाज में सामने वाले इंसान को जवाब दिया।
और यूँ कहा, भाई दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना तुमको दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना तुमको आखिरत में रहना है, तो तुमको दुनिया के अंदर नजात मिलेगी, आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और हर एक इंसान को पता है दुनिया में कितना रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमार उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, कि मेरी उम्मत की उम्र कितनी, कि मेरी उम्मत की उम्र 70 व 60 के बीच में है, 60 व 70 के दरमियान है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वो ज़िंदगी उनकी मोहताजगी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की उम्र बताई, दुनिया की उम्र। इससे पहले भी कितने जवान कब्रों के हवाले हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता, और रात के अंधेरे में जाकर उनका सूरज डूब जाता है। सुबह घर से निकले, शाम को मैयतें घर पर आती हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अहवाल है दुनिया में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को ज़िम्मेदारी के पूरी करने की जगह बनाई है। ये दुनिया ज़िम्मेदारी के पूरी करने की जगह है, ये दुनिया हालात की जगह है, और ये दुनिया ज़रूरत पूरी करने की जगह है। अल्लाह ने भाइयों एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ इंसान की हर तमन्ना पूरी होगी। ज़रूरत तो पूरी होगी, इंसान की तमन्ना, इंसान के अंदर के मचलते और जज्बात अल्लाह ताला पूरे करेगा। उस जगह का नाम जन्नत है। कि जन्नत में क्या होगा, कि जन्नत में इंसान की हर तमन्ना पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तगी अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। इंसान के दिल में जो भी ख्वाहिश आएगी, जो भी तमन्ना आएगी, अल्लाह उसकी तमन्ना को जन्नत में पूरी करेगा। हर तमन्ना पूरी होगी, और जन्नत में किसी इंसान को बुरी तमन्ना नहीं होगी। मुझे तम्बाकू खाना है, मुझे बीड़ी पीनी है, मुझे पेशाब करने जाना है, वहाँ पेशाब नहीं होगा। ला तगौवतून वला वला यमुलून, न वहाँ पेशाब लगेगा, वहाँ ना इंसान को इस्तिंजा लगेगा। रुशाहन, इंसान को निकलेगा मामूली पसीना, ये पसीने की खुशबू मुश्क की तरह होगी, और ये पसीना जब निकलेगा उसका पखाना ख़त्म हो जाएगा। जन्नत भाई ऐश की जगह है। अल्लाह ने जन्नत को इंसान की आराम की, इंसान की आसाइश की जगह अल्लाह ने बनाई। और जन्नत के तबकात है, जन्नत के तबकात, नबियों की जन्नत अलग है, दाइयों की जन्नत अलग है। उलमाए किराम अहले इल्म जो हमारे इमाम हमारे सरताज, उनकी जन्नत अंबिया के नीचे वाली, उलमा अंबिया के वारिस, जहाँ अंबिया होंगे अंबिया के नीचे की जन्नत हमारे उलमा की होगी, जो उलमा अंबिया के वारिस हैं। और कुरान ने उलमा से पूछने का कहा है, फ़सअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, तुम्हारे मशवरे अहल इल्म से करो अगर तुम जानते न हो। तो जन्नत तो बड़े ऐश की राहत की जगह है, पर अल्लाह ने एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ इंसान की ऐश तो क्या, इंसान की ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी। कि वो जगह कौन सी, कि वो जगह का नाम जहन्नम है। कि जहन्नम में और दोज़ख में इंसान की कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी, और अगर ज़रूरत पूरी भी की जाएगी तो ऐसे असबाब से की जाएगी जो असबाब उसके लिए मोहलिक साबित होंगे, उसको और परेशान करेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह गिसलीन देगा, गिसलीन इंसानों का खून और पीप देगा जहन्नमियों का। इल्ला मिन गिसलीन ला याकुलुहु इल्ला अल-खातिऊन, खाने की ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह ज़क्कूम का दरख्त देगा, कांटेदार, आदमी जैसे मुंह पर डालेगा वो ज़क्कूम का दरख्त उसके पूरे के पूरे होठों को खा जाएगा। लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين। यह क़यामत के दिन जहन्नमियों की मेहमानी होगी। और हदीस पाक में लिखा है, जहन्नमी का एक होठ उहद पहाड़ के बराबर होगा,
उसका दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा, बहुत मोटा तगड़ा इंसान जहन्नम में होगा ताकि बराबर अजाब को चखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला से एक मर्तबा मस्जिद में आए, आप मस्जिद में बैठे थे और जिब्रील इस्लाम आसमान से उतरे और हज़रत इब्राहिम ने आकर अल्लाह के नबी के सामने जहन्नम के मनाजिर खोले, जहन्नम के मनाजिर कि अल्लाह ने जहन्नम के सात तबके बनाए, जन्नत के आठ दरवाजे हैं और जहन्नम के सात हैं, तो यूँ बताया तरतीब बार ऊपर के तबके में कौन, उसके तबके में कौन, कि सबसे नीचे के तबके में अल्लाह मुनाफिकीन को डालेगा जहन्नम में। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्क अस्फल मिन अन्नार वलन तजिद लहुम नसीरा, अल्लाह मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में डालेगा। और जहन्नम के नाम बताए, एक का नाम सकर है, एक का नाम सकीम है, एक का नाम हाविया है, एक का नाम लज्जा है, एक का नाम खुतमा है और एक का नाम जहन्नम है। तरतीब से नाम बताएं और उसमें कौन जाएगा, तो उसके ऊपर के तबके में अल्लाह तबारक व तआला मजूसी को डालेगा, फिर यहूदियों को डालेगा, फिर नसारा को डालेगा, सितारों के पुजारियों को डालेगा। जहन्नम के ऊपर की जो जहन्नम, उसका नाम है जहन्नम। व जिब्राइल आकर खामोश हो गए अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी ने कहा या जिब्राइल, ये जहन्नम के ऊपर के तबके में किसको डाला जाएगा, आप तो खामोश हो गए। तो कहा या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम के ऊपर के तबके में आपकी गुनहगार उम्मत को डाला जाएगा, आपकी गुनहगार उम्मत जिन्होंने दुनिया में बगावत के साथ ज़िंदगी गुजारी अल्लाह की नाफरमानी में, कि जिनके नाम आमाल में एक भी नेकी नहीं और जिनके दिल गुनाह करते करते गला जातों के गटर बन चुके हैं, अल्लाह उनको डालेगा। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत, अल्लाह ने कुरान करीम में नबी की शफ़क़त को ज़िक्र किया है, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह ने तुम्हारे पास जो रसूल भेजा है उस रसूल की ये सिफतें हैं कि मोमिनीन के साथ वो लालची हैं, ईमान वाले सब के सब जन्नत में चले जावे। रऊफ और रहीम अल्लाह तबारक व तआला के सिफात हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने सिफाती नाम किसी को नहीं देता, ये अल्लाह तआला की सिफातें हैं और अल्लाह तआला की शानें हैं, अल्लाह तआला की हर नाम की हर शान है। रऊफ भी अल्लाह की सिफत है, रहीम भी अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने ये दो नाम अपने प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए कि मेरा नबी अपने उम्मत के साथ इन दो सिफतों के साथ है, रऊफ भी है रहीम भी है। ये नबी की अपनी उम्मत के साथ शफ़क़त जिसको कुरान ने ज़िक्र किया और कुरान करीम का हिस्सा बना, उस नबी के सामने में बात आई कि मेरी गुनहगार उम्मत को जहन्नम के ऊपर के तबके में डाला जाएगा तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। वो कोई यूँ कहे अभी आकर तुम्हारे बेटे को भी फांसी होगी, अभी मैंने सुना बाहर और अखबार में और मीडिया में मैंने तुम्हारे बेटे की बात सुनी कि उसको जेल का हुक्म है, तो बाप क्या करेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। एक इंसान पेट में दर्द है और गया अहमदाबाद में जाकर किसी हॉस्पिटल में बताने के लिए, डॉक्टर ने कुछ खामोशी के साथ उसके किसी रिश्तेदार को कान में बात की कि वे खतरे की घंटी हैं, कि क्या है कि केस बचे एहसानी कैंसर है। फौरन इंसान के होश उड़ जाते हैं और इंसान के चेहरे पर निशानियां लग जाती हैं, चेहरा बताता है कि खतरा है। जब मेरे नबी को सिग्नल दिया जिब्राइल ने या रसूल अल्लाह जहन्नम के ऊपर के तबके में आपकी गुनहगार उम्मत को डाला जाएगा तो नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। रिवायतों में लिखा है कि आपने सबसे बोलना छोड़ दिया, मस्जिद नबवी में आते थे और आप नमाज पढ़ाते थे और नमाज पढ़ाने के बाद अपने हुजरे शरीफा में चले जाते थे। सहाबा इकराम के रग रग में नबी की मोहब्बत, इतने सहाबा ऐसे थे कि रात को जब तक अल्लाह के नबी को देखते नहीं थे रात को अपने घरों पर सोते नहीं थे।
इसलिए कि उनके रग रग में नबी की मोहब्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरे नबी ने फरमाया था, इरशाद फरमाया था, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी का हशर कयामत में उसी इंसान के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। सहाबा किराम फरमाते हैं इस हदीस के नाजिल होने के बाद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान से इरशाद सुनने के बाद हमें जन्नती होने का यकीन हो चुका था कि हमारे दिलों में तो नबी की मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा है, तो हम तो जन्नती हैं। आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा, तो हमारे रग 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 में नबी की मोहब्बत है। जब आपने तरके कलाम आपने बोलना छोड़ दिया तो सहाबा पर क्या गुजरी होगी कि मेरे नबी को हमसे क्या तकलीफ़ पहुंची है कि हमसे बात नहीं करते। अल्लाह के नबी गम में है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के गारे यार इन जबल सौर जहाँ आपने हिजरत फरमाई और उसमें ठहरे हैं आप 3 दिन 3 रात। जबल सौर ऊपर नहीं है, वो तो कूचे वाला पहाड़ है कि आदमी के पैर ख़त्म हो जावे। पूरे ऊपर चले हैं, ऊपर चलने के बाद ढलान है और ढलान के अंदर गार है और मेरे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम यूं करके अंदर गए हैं लेट कर। इतनी छोटी सी गार, साथ में कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ثانيتين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا। अल्लाह ने कुरान करीम इस गार का जिक्र किया है 10वें पारे में। इसे जब उमर फरमाया करते थे अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो मेरी सारी की सारी नेकियां जो मैंने जिंदगी में की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला रात को सोए हुए थे, सितारे आसमान पर थे, आपकी बीवी हज़रत आयशा थी पास में। हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या किसी इंसान की नेकियां क्या सितारों से भी ज़्यादा हो सकती हैं? किसी इंसान की नेकियां सितारों से भी ज़्यादा? कि हाँ है। कि कौन? के उमर इब्न खत्ताब। आयशा के तो अब्बा होते नहीं, तो उमर खत्ताब की है। कि हाँ, तो फिर मेरे अब्बा की? वो सिद्दीक की बेटी है ना, वो तो सितारों से ज़्यादा हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु की नेकियाँ है, तो मेरे अब्बा की नेकियाँ क्या है? तो कहा उमर को जाके पूछो। जब उमर फरमा करते थे मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियाँ मैं अबू बकर को दे दूँ, अबू बकर सिर्फ गार की 3 रातों की नेकियाँ मुझे दे दे। दावत का सफ़र, हिजरत का सफ़र, अल्लाह को बंदे की हिजरत बहुत पसंद है। हिजरत वाक़ा, हिजरत वादिया, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए अपने घरबार को छोड़ना अल्लाह को बहुत महबूब है। और कैसा आशिकाना सफ़र, आशिकाना सफ़र। अंदर जाने के बाद देखा, पहले सिद्दीक अकबर अंदर दाखिल हुए कि अंदर तो सुराख है सुराख। मदीना मुनव्वरा में कीड़े मकोड़े सांप बहुत निकलते थे, तो वहाँ जाकर पूरी ज़मीन को साफ़ किया। दुश्मनों का चारों तरफ खतरा है और मक्का के मुशरिकीन निशानात कदम को जानते थे और कदम के निशानात को पहचाने किसका कदम है, अबू बकर का है या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। पैरों के निशाना से वो तो जानवरों की नस्लों तक को जानते थे। पूरा घर साफ किया, अब जानते हैं। और जहाँ सुराख लगा वहाँ अपना अमामा फाड़ा, अपना कुर्ता फाड़ा और सारे सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, कपड़ा नहीं, अंधेरा। या रसूल अल्लाह, पूरा घर साफ हो चुका, आप तशरीफ़ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला सब थके हुए हैं सफ़र में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रेल की तरह बैठ गए और मेरे नबी का गोद, मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक की गोद में है और सिद्दीक अकबर का अंगूठा उस सुराख पर है जिस सुराख में डालने के लिए कोई कपड़ा ना था, अंगूठे सुराख को बंद किया। अतौला साहब बुखारी फरमा करते थे ऐसा लगता था जैसे कुरान करीम हो सामने और सिद्दीक अकबर कुरान करीम का मुताला कर रहे हो कि मेरे नबी तो गोद में सोए हैं। अब वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी के चेहरे अनवर को देखकर मेरे नबी के चेहरे का मुताला कर रहे हैं। अचानक नीचे से जानवर ने काटा, लेकिन हीरे नहीं, बिल्कुल हीले नहीं,
सांप है, सांप अंदर से काटता है अंदर से निकलने के लिए। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक का पूरा बदन जहर की वजह से पूर हो गया और आंखों में आंसू निकले और मेरे नबी के चेहरे अनवर पर गिरे, तब मेरे नबी की आँख खुली है। क्या इसके रसूल हैं और क्या मोहब्बत रसूल हैं, इसका का हक तो मेरे नबी के यारों ने अदा करके बताया। कहा या रसूल, जब मेरे नबी की आँख खुली, अबू बकर क्या है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदला हुआ है। या रसूल अल्लाह, एक सुराख बाकी था, सुराख पर मैंने पैर रखा है ना, अंदर से एक जानवर मुझे डस रहा है। कहा हटाओ पैर, तो पूरा सांप बाहर निकला है यूं करके। वो सांप नहीं था। मुफ्ती महमूद सर गंगोई रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, वो ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था, हवारी। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा को हवारी कहा जाता है, अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले को सहाबा कहा जाता है। तो वो था और उसने यूं कहा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कब अल्लाह के रसूल है। उसने अल्लाह से दरख्वास्त की, या इलाहुल आलमीन मुझे आखिरी नबी की जियारत करनी है और आखिरी नबी का दीदार करना है। मुफ्ती गंगोई ने अपनी किताब में बात पूरी तफसील से लिखी है। तो कहाँ सांप की शक्ल इख्तियार करनी है, क्योंकि सांप की उम्र लंबी होती है और उनको ये भी पता था इस गार में नबी ठहरेंगे, क्योंकि तौरात में, जबूर में, इंजील में, दीगर आसमानी किताबों में अल्लाह के नबी के तस्करे मौजूद है अंदर। तो जब अंगूठा रख लिया, उसको तो बाहर निकलना था। जियारत की मेरे नबी की, फिर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने अपने लुआबे दहन से और अपने थूक मुबारक से अंगूठे पर सिर्फ यूं करके हाथ लगाया। अबू बकर ऐसे हो गए जैसे कुछ भी न था। ये मेरे नबी के थूक का वो असर है, तो मेरे नबी की ज़िंदगी का असर कितना होगा और अल्लाह के नबी के आमाल का असर कितना होगा और अल्लाह के नबी की कुर्बानियों की ताकत क्या होगी। जब थूक की वो ताकत है कि मरीज़ को शिफा दे दे, तो नबी की कुर्बानी में वो ताकत है कि इंसानों की ज़िंदगियों को बदल के रख दे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो साबुन है जो दिलों के रूह को धो देता है और मेरे नबी की ज़िंदगी वो सरफ है जो इंसानों के ऊपर की गंदगी के मैल कुचैल को दूर कर लेता है। तो सहाबा ने भेजा मुगर सिद्दीक को अल्लाह के नबी के पास, क्या आप घर से बाहर निकलते क्यों नहीं, हमसे बोलते क्यों नहीं। क्योंकि तो अल्लाह के नबी के दिल में अबू बकर की मोहब्बत, एक बात आ गई तफसीर की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा ज़माने जाहिलियत में मुल्क शाम के सफ़र में गए। अल्लाह के नबी से 2 साल सिद्दीक अकबर छोटे थे, मेरे नबी 2 साल बड़े थे। जब मुल्क शाम के सफ़र में गए तो वहाँ उन्होंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब वहाँ के एक आलिम से पूछा, राहिब से, ईसाई आलिम से पूछा, उस वक्त ईसाई मजहब था। पूछा इस ख्वाब की क्या ताबीर है, तो पूछा तुम कहाँ से हो, मिनाइन, क्या मैं मक्का में मक्कतुल मुकर्रमा से हूँ, ये क्यों आया हो कि तिजारत के लिए, शुगल कारोबार क्या है कि मैं ताजिर हूँ। का तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारी कौम एक नबी पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत वज़ीरुहू फी हयातिही व खलीफतुहू बाद ममातिही, आप उनकी ज़िंदगी में उनके वज़ीर बनोगे और उस नबी की दुनिया से रुख्सत होने के बाद आप उनके खलीफा बनोगे। ये ख्वाब की ताबीर बताई। उलमा ने लिखा है तफसीरों में के ख्वाब की ताबीर अबू बकर सिद्दीक ने किसी को नहीं बताई, लम युखबिर अहदम मिनन नास, किसी को नहीं बताई ख्वाब की ताबीर। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया, आपने नबूवत का दावा किया है, बाकी सबकी दावत दी है, इद्दान नबूवा, नबूवत का आपने ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, बाकी सब में दावत है। अल्लाह के नबी ने नबूवत 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, वरना नबूवत तो आपको कब से मिल चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना भी न था और अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया था। दलील कुरान में है, अल्लाह फरमाते मैंने सूरह यासीन को इस कायनात के पैदा करने के 1000 साल पहले पढ़ा,
सूरह यासीन को फजर अमल में है कि मैंने सूरह यासीन की तिलावत कब फरमाई, इस पूरी कायनात के 1000 साल पैदा करने के पहले मैंने सूरह यासीन पढ़ी और सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ओ मेरे महबूब इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान की अजमतों की कसम तू मेरा रसूल है, इन्नका लमिनल मुरसलीन तू मेरा रसूल है। अल्लाह ने उस वक्त मेरे नबी को रसूल बना, नबी को नबूवत दी। 40 साल में आपने नबूवत का ऐलान किया है। अबू बकर सिद्दीक सामने मेरे, अबू बकर मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा, कलमा पढ़ लो। अबू सिद्दीक ने फरमाया दलील, तुम्हारी नबूवत की दलील क्या कि तुम नबी हो, मत दलील अला मा तदई, आपकी नबूवत की दलील क्या है जिसका आप दावा करते हैं। तो मेरे नबी ने अजीब बात फरमाई या अबा बकर रुयल्लती रअयतहा बिश्शाम, मेरे नबूवत की दलील वो है, वो ख्वाब है जो तूने मुल्क के शाम में देखा था और तूने किसी को नहीं बताया था। ये बात फरमाई अबू बकर खड़े हो गए, फकाम खड़े हो गए, वअतना कहू मेरे नबी से मुआनका किया, वकब्बलहू बैन अयुनिन्नास, और अल्लाह के नबी की पेशानी पर बूसा दिया। फिर कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर का जान भी आपके सामने है और माल भी आपके सामने है, हिजरत के सफ़र में, हिजरत के सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फ़र्ज हुई, जब मक्का वालों ने आपको काम करने से परेशान कर दिया, तो आप मक्कतुल मुकर्रमा में काबा के सामने आए हैं और आपने काबा का तवाफ़ करके काबा को यूँ मुखातब करके कहा है ये काबा तो कितना मोहतरम है और ये मक्का तो कितना मौज़ शहर है, अगर मेरी कौम अगर मुझे न निकालती तो कभी मैं तेरी धरती को न छोड़ता, लेकिन चूंकि दीन का मुझे काम करना है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर पूरे आलम का भेजा है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, इसे मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूँ। हिजरत, बहुत से लोगों ने आपसे पहले मक्का छोड़ के हिजरत फरमाई थी। हिजरत मामूली चीज़ नहीं है, हिजरत बहुत लंबा मफहूम है। हिजरत किसको बोलते हैं? हम तो 4 महीनों में अल्लाह के रास्ते में निकले वापस अपने मकान में। हिजरत सब कुछ छोड़ के जाओ वापस नहीं आना। अब्दुल इब्न उमर फरमा जब मैंने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ा, जब मदीना हिजरत करके आया, जब मैं दोबारा मक्का उमरा करने आया तो मैं अपने मकान के पास से गुजरे कि मकान की तरफ देखा नहीं कि जिस चीज़ को मैंने निस्बत खुदामंदी पर छोड़ा है उसको दोबारा मैं देख नहीं सकता। हैदर सहाबा में ए हिजरत, आपने हिजरत फरमाई, हिजरत का हुक्म हुआ, आप अबू बकर सिद्दीक के घर पर गए और कहा अबू बकर घर में कोई है? अबू सिद्दीक रहता रहा हूँ समझे कि मेरे आका का इस वक्त आने का मामूल मेरे घर पर नहीं है, खिलाफ मामूल वक्त पर आए मेरे घर पर, कोई वाकया पेश आया होगा। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, आइए। अबू बकर घर में कोई है? मैं आपसे तखलिया चाहता हूँ, अलग बात करना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ हैं अस्मा और आयशा। तो कहा मस्त को ठीक है, मसला नहीं है, आप अंदर गए। नहीं, मेरे नबी को अबू बकर के पूरे घराने पर भी एतमाद है कि अस्मा और आयशा है, ठीक है मैं आता हूँ। क्या क्या सिद्दीक अकबर के घराने का मकाम, औरतें हैं बात आगे निकल सकती है? नहीं, इन दो औरतों की तरबियत हुई है सिद्दीक के घराने में कि नबी के जुमले निकले बाद आगे नहीं जाएंगे। कहा दो बच्चियाँ हैं कि अंदर आ जाओ। कहा अबू बकर हिजरत हो गई, चलो। कि या रसूल मुझे पता था, मैंने दो उंटनियाँ पाल लिए पहले से, मैंने दो उंटनियाँ पहले से पाल ली, एक आपकी और एक मेरी। अबू बकर कीमत कि नहीं हदिया आपके ना, आपको कीमत लेनी पड़ेगी उंटनी की। ये तबलीग की पहली बुनियाद, अपना जान अपना माल, ये कीमत लेनी पड़ेगी। अबू सिद्दीक ने दिल न चाहते हुए भी कीमत ली, क्योंकि सिद्दीक कीमत कैसे लेंगे, पूरा माल कुर्बान किया है नबी के नाम पर। कीमत ली और हिजरत हुई, दोनों चले। दोनों के जाने के बाद अबू सिद्दीक के अब्बा कुहाफा आंखों से नाबीना थे, बच्चों को बुलाई, अस्मा आयशा इधर आओ, तुम्हारा बाप तो पागल है नबी के साथ चला गया, तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। भाई घरों में तरबियत थी, घरों में दीनी दिनदारी दीनी माहौल था। आसमाने का अब्बा नहीं नहीं
मेरे अब्बा ऐसा नहीं कर सकते, आपके बेटे हैं और आपके बेटे होकर ऐसा नहीं कर सकते कि क्या कि मेरे अब्बा तो दिनार छोड़ के गए हैं, सोने के सिक्के के कहाँ हैं, तो जहाँ सिक्के थे वो सब लेकर वो कर चले गए थे, तो वहाँ पत्थर रख लिए, बच्चे ने पत्थर रख लिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया कि अब्बा देखो, हाथ डाला कहा बेटा तेरे अब्बा दिनार छोड़ के गए हैं, हालांकि घर में एक लुकमा भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि दीन के लिए बड़ी कुर्बानी सिद्दीक को दी है। और जब अबू जहल घर पर आया है, पता चला कि अल्लाह के नबी चले गए मक्का छोड़ के, और अबू जहल ने जो हजरत असमा के साथ जो गुस्ताखी की है, कान की बालियां निकाली है और हजरत असमा को मारा है तमाचा, तब भी जबान नहीं खोली, दफन हो सकती हूँ रात नहीं बता सकती कि मेरे अब्बा कहाँ चले गए। ये नबीवी जमाना था, नबीवी दौर खैरुल कुरून का, नहीं बताया। फिर मीटिंग हुई इन कुरैश मक्का की, कहा क्या करेंगे, वतन छोड़ा है, कहा पीछा करो और जो पीछा करे उसको अरबी सौ ऊंट इनाम, अरबी सौ ऊंट बहुत महंगे होते अरबी ऊंट, लालच थे अरब थे, सुराका इब्ने मालिक जोशम कोने में थे, कहा अच्छा, अपने खादिम को इशारा किया उस तरफ से, तो ऊँटनी लेकर आ, मैं इस तरफ से निकलता हूँ किसी को पता ना चले, वो ऊँटनी लेकर उस तरफ से आया, वो यहाँ से गए। खुदा करे अल्लाह आपको काबतुल्लाह की ज़ियारत करा दे, वो सारे मकामात वहाँ मौजूद थे जहाँ मेरे नबी ने हिजरत फरमाई है, और बैठे दोनों खादिम और सुराका इब्ने मालिक और नबी के निशानात देख लिए, पीछा किया मेरे नबी को देख लिया, वो सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूल अल्लाह सुराका पीछे पकड़ने आया है, कहा सुराका मत घबराओ अल्लाह हमारे साथ है, पहले ही दिन से मेरे नबी ने तरबियत फरमाई थी, करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, अल्लाह ही हमारी मदद करता है और अल्लाह ही हमारी मदद करेगा, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, वकदालिक नुंजिल मुमिनीन, ईमान वालों को हम ही नजात देंगे, और अल्लाह ने जिम्मा लिया है, वकान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमारी जिम्मेदारी बनती है ईमान वालों की मदद करना, बशर्ते कि ईमान ईमान एक कामिल हो, जो ईमान अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है, वअंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन, अरे भाइयो दुनिया में तुम ही सरजमीन सरबलंद रहोगे, ये ज़मीन तो तुम्हारी है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं हो सकता, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इस ज़मीन का बादशाह मुसलमान बनेगा और इस ज़मीन पर मुसलमानों की खिलाफत चलेगी, और अल्लाह ने ज़बूर में भी कहा है, वलक़द कतबना फ़ि ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्न अल-अर्ज़ यरिसुहा इबादिय सालिहून, इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे बनेंगे, ज़मीन अल्लाह की है, वअर्ज़ुल्लाहि वासिअह फ़तुहाजिरू फ़ीहा, अल्लाह की ज़मीन बड़ी कुशादा है, अल्लाह की ज़मीन में हिजरत करके चलते रहो, अल्लाह का दिन दुनिया में फैलाते रहो, यूरिसुहा मन यशा मिन इबादी, ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहे अपने बंदों में से ज़मीन का वारिस बना दे, ज़मीन पर हुकूमत दे दे, ज़मीन पर ताज दे दे, ये तो अल्लाह ताला का ही फैसला है, अल्लाह तबारक वादा बड़े ताकत वाले हैं, तो सुराका है पीछे, अबू बकर मत घबराओ, दुआ की अल्लाह सुराका पीछे है, अल्लाह उसकी सवारी के पैरों को ज़मीन में धंसा दे, ज़मीन ने पैरों को पकड़ लिया, दावत के साथ खुदा की बायो बड़ी ताकत है, काश में और आप दावत की राहों में चले कुर्बानियों के साथ, फिर पता चलेगा मेरे भाई दावत की क्या बड़ी बड़ी अल्लाह तबारक वतन की कुदरत के नज़ारे दावत के मैदानों में हैं, ये काम मेरे भाइयों जान बचाने का नहीं है, ये काम जान खपाने का है और ये काम चालाकियों का नहीं है, ये काम कुर्बानियों का है, जहाँ सहाबा ने राह खुदा में अपनी लाशें भी चलाई है, सहाबा की लाशें कुस्तुनतुनिया के सफ़र में चली, अबू अंसारी की नाज चली है, कि काम कुर्बानियों का है, अल्लाह ने काम चलाया है, लेकिन हमारी कुर्बानी इल्म की रोशनी में हो, उलमा से मोहब्बत के साथ हो, उलमा की अजमत के साथ हो, उलमा से पूछ पूछ के हो, क्योंकि उलमा जो जानते हम नहीं जानते, जहाँ उलमा होते हैं वहाँ काम के मज़े ही कुछ और होते हैं, पैरों को पकड़ लिया,
सोरा कहने का अल्लाह के नबी नबी तो नहीं माना, कया मोहम्मद आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि मैं दोबारा आपको नहीं पकड़ूंगा, ज़मीन मेरे सवारी के पैरों को छोड़ दे। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह, ज़मीन ने छोड़ दिया पैरों को, दोबारा ज़मीन ने फिर पकड़ दिया, दोबारा फिर लालच थी लालच, दोबारा फिर मेरे नबी का पीछा किया। क्योंकि नबी को पकड़ते इज्जत मिलती और इज्जत से ज़्यादा 100 ऊंट मिलते अरबी। करीब आ गए, अब सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह करीब आ गए, करीब तो कहा मत घबराओ। फिर अल्लाह से दुआ फरमाई, फिर से ज़मीन ने उनके घोड़े के पैरों को पकड़ लिया। 3 बार ऐसा हुआ तो तीसरी बार कहा या रसूलल्लाह अब तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अब मैं आपका पीछा भी नहीं करूँगा और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि आप इस तरफ जा, इस आपने रास्ता इख्तियार किया है हिजरत का। तो आपने अल्लाह से दुआ फरमाई तो ज़मीन ने उनकी सवारी के पैरों को छोड़ दिया। फिर आपने कहा सूरा का वो कैसा दिन होगा जब तो ईमान कबूल करेगा, आपने कहा तो ईमान कबूल करेगा और तेरे हाथ में सोने के कंगन होंगे। सूरा का वो कैसा दिन होगा जब तू ईमान कबूल करेगा और इस्लाम के झंडे के नीचे तू आएगा और तेरे हाथों में सोने के कंगन होंगे। नबी के पास फाका कुछ नहीं और बड़ी बड़ी बशारत, सूरा का वो कैसा दिन होगा जब तेरे हाथ में सोने के कंगन होंगे। आज उम्र खत्ता का दौर आया है दौर, और अल्लाह ने किसरा को फतह किया है, ईरान की हुकूमतों ने पलटा मारा है और कैसर रूम लड़ चुका है, और ईरान का मारे गरीब जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा है हज़ारों टनों के साथ, और किसरा का वो ताज भी पहुंचा, ताज जो हज़ारों मन सोने से बुना हुआ ताज किसरा पहन के बैठता था, वो लटकता था, उसका सर उसके नीचे होता था। और जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर और मदीना मुनव्वरा के मरकज़ पर जब मारे गरीब आया है किसरा से, तो एक सहाबी के पैर में किसरा का सोने का बुना हुआ ताज आया उसके पैर में। एक और सहाबी ने कहा तुझे पता भी है तेरे पैरों में क्या है? कि हाँ मुझे पता है, मैं उस खुदा को जानता हूँ जिस खुदा ने बादशाह के सरों से ताज को निकालकर हमारे पैरों में रगड़ाया है, मैं उस खुदा की ताकत को जानता हूँ। तो खुदा कितनी बड़ी ताकत वाला है कि सर उसके सर से ताज को निकाला और हमारे पैरों में रगड़ाया। आज उमर ने फरमाया माले गनीमत खोलो, जब माल गनीमत खोला गया तो कंगन जाहिर हुए सोने के कंगन। आपने पूछा सूरा का इब्ने मालिक कहाँ है? कमी मोमिनीन वो तो 18वें साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और बिस्तर मर्ग पर बीमारी में मुबतला हैं, वो चल नहीं सकते कि उनको चारपाई के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर करो। जब उनको चारपाई के साथ जब मस्जिद नबवी में हाजिर किया गया तो सूरा के दोनों हाथों को ऊंचा किया और उमर ने कंगन पहनाए। सूरा का वो दीन याद है, मेरे नबी ने कहा था उस सूरा का वो कैसा दिन होगा जब तेरे हाथों में सोने के कंगन होंगे। सूरा का फूट फूट कर रोने लगे। नबी की खबर को नबी के एतिमाद पर यकीन मानने का नाम ईमान है, कि मेरे नबी की खबर कभी झूठ नहीं हो सकती। जैसे कि नबी कामिल अकल वाले हैं, कामिल हुस्न वाले हैं, भाई अल्लाह ने रहमत के हिस्से को पैदा किया है, रहमत अल्लाह रहमत के 100 हिस्से बनाए, एक रहमत का हिस्सा अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा है, रहम का हिस्सा मोहब्बत का। इस रहमत के नतीजे में माँ बच्चों से मोहब्बत करती हैं, बच्चे माँ से मोहब्बत करते हैं, मखलूक मखलूक से मोहब्बत करती हैं, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक रहमत का हिस्सा है अल्लाह की सिर्फ। अदा आयशा के पास एक औरत आई अपने 2 बच्चों को लेकर, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस औरत को 3 खजूरें दी। उसने 1 खजूर अपने बच्चे को दी और दूसरी खजूर अपने और बच्चे को दी और 1 खजूर अपने पास बाकी रखी। 2 बच्चों ने 2 खजूरें खा ली। इसके बाद का अम्मी और हज़रत आयशा फरमाती हैं उन बच्चों की माँ ने 3री खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा इस बच्चे को आधा इस बच्चे को, कि माँ के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत है। जब मेरे नबी के सामने का तस्कीरा फरमाया तो मेरे नबी ने कहा इससे ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। इब्न आदम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कुल्ली मुहिब्बा तू भी मुझसे फबिहक की कुल्ली मुहिब्बा,
میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتک, جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے, اس وقت بندہ مذکور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ, لیکن جب تو مجھے بھولتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. بندہ اللہ کو بھولتا ہے لیکن اللہ, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اپنا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھلاتا ہے, وقت پر پلاتا ہے. تو یہ صفت رحمت کا اثر ہے, اور 99 رحمت کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اپنے بندوں پر ظاہر فرمائیں گے, اپنے پاس رکھے ہیں. اسی طریقے میں میرے بھائیو, اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے. تفسیر مظہری میں بات لکھی ہے, اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے. ایک عقل کے حصے میں اللہ نے پوری دنیا رکھی. ایک عقل کے حصے میں بڑے بڑے علماء, انبیاء, صحابہ, تابعین, دانشور, سائنسداں, عقل مندوں کا مجمع, جتنی دنیا میں عقل مندوں کا طبقہ جو کہا جاتا ہے, پڑھا لکھوں کا مجمع, یہ سارے کے سارے ایک عقل کے حصے میں ہیں. اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کر. تو میرے نبی کی عقل کتنی کامل ہوگی, اسے تو اللہ نے قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. نبی تم کو جو دے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ, اس میں تمہاری کامیابی ہے. میری عقل تو یوں کہتی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرے کون. بے صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے نا, قربانی تو حاجرہ کی ہے, علیہ السلام کی قربانی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی قربانی. اور جہاں دوڑنے کا حکم ہے, میلے نخزرین میں جہاں ہری لائٹیں ہیں وہاں دوڑنے کا حکم ہے مردوں کو, حالانکہ دوڑی تو حاجرہ ہے. عقل تو یوں کہتی ہے کہ عورتوں کو دوڑنا چاہیے, عقل تو یوں کہتی ہے عورتوں کو دوڑنا چاہیے مردوں کو, کہ مردوں کو آہستہ. لیکن شریعت یوں کہتی ہے نہیں, مرد دوڑے عورت آہستہ چلے. کیونکہ شریعت عقل کے تابع نہیں ہے, ہماری عقل شریعت کے تابع ہے. کیوں, کامل العقل پر شریعت بھیجی ہے اللہ نے. بے کامل العقل کون ہے, جس کی عقل کامل کون ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جہنم درخت بھی ہے اور جہنم آگ بھی ہے. عقل تو یوں کہتی ہے کہ درخت کو آگ کھا جاوے, یہ ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ درخت ہے اور آگ ہے, کہ درختوں کو تو آگ کھا جاوے. لیکن نہ, میرے نبی نے کہا زقوم کا درخت بھی ہے جو جہنمیوں کو بذریعے کھانے ملے گا اور آگ بھی ہے. تو ابو بکر صدیق کو بھیجا میرے نبی کے پاس ملاقات میں, کہ اللہ کے نبی ہم سے بولتے نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے جا کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, لیکن آپ نے سلام کا جواب اندر دیا, باہر زور سے نہیں دیا. ابو بکر واپس آ گئے. حالانکہ وہ صدیق جب ہجرت کا سفر کی ہجرت کا, تو آپ نے پوچھا رہبر سے کہ مدینہ منورہ تو یہاں سے بہت دور ہے, تو راستے کتنے ہیں؟ اس نے کہا دو راستے ہیں, ایک راستہ سیدھا ہے جو آپ کو جلدی مدینہ منورہ پہنچائے گا لیکن ہے دور, سیدھا امن و امان والا, ایک راستہ پہاڑیوں والا لیکن پر خطر, چوروں کا خطرہ, لیکن آپ کو جلدی پہنچائے گا. آپ نے کہا مجھے پر خطر راستے پر ڈال دو تاکہ میں جلدی مدینہ پہنچوں, وہاں جا کر دین کی محنت کو شروع کر دوں. میں نے کہا اچھا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر سفر فرمایا, تو وہاں تو ڈاکو چھپتے تھے, اور میرے نبی پر تھی جو چادر, وہ یمنی تھی, یمن کی چادر, یمنی چادر. تو دو ڈاکو نے آپس میں کہا یمنی آ گئے, نہیں لوٹو. یمن کی چادر کو دیکھ کر فرمایا یمنی آ گئے. دونوں باہر نکلے. آپ نے کہا تم کون؟ کہ نحن مہانان, ہم مہانان ہیں. آپ نے کہا لستما مہانان بل انتما مکرمان, چونکہ مہانان کا معنی ہوتا ہے ذلت والے. آپ نے کہا نہیں, تم ذلت والے نہیں ہو بلکہ تم تو عزت والے ہو. لستما مہانان بل انتما مکرمان, تم ذلت والے نہیں بلکہ تم تو عزت والے ہو. جب میرے نبی نے بات فرمائی تو دونوں میرے نبی کے سامنے سارے تسلیم خم ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں ایمان دے دو, کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. لٹنے آئے تھے لٹ گئے. اور کہا اللہ کے نبی آپ اب ہجرت کریں گے, اور آپ جب بھائی آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں,
और इस्तिकबाल मदीना मुनव्वरा के लोगों का इस्तिकबाल, नबी का इस्तिकबाल, उलमा का इस्तिकबाल, इल्म का इस्तिकबाल, दावत की मुबारक मेहनत का इस्तिकबाल, जमातों का इस्तिकबाल, इस्तिकबाल करने वाले अल्लाह की रहमत उन पर छा जाती है। मदीना वालों को पता नबी नहीं आ रहे, खूबी आ रही है, सिर्फ नबी नहीं आ रहे, सिरात मुस्तकीम आ रहा है और पूरे मदीना पूरे आलम का मरकज बनने वाला है। बच्चों में, मर्दों में, औरतों में एक शौक है, शौक सुबह रोजाना आते सनियतुल वदा की पहाड़ी पर से आते हैं और मेरे नबी का इंतजार है। जब आप आए मस्जिद जुमा, जो आपने पहली जुमा की नमाज बनाई, जुमा की नमाज वहां आपने पढ़ाई, मस्जिद आज भी है, और आपने यूं पहाड़ी पर सर ऊंचा किया, यूं साथ में सिद्दीक अकबर थे, और आपका चेहरा तो चौदहवीं चांद से ज्यादा खूबसूरत था, तो मदीने की बच्चियों ने सिर्फ आपका सर देखा, यूं चेहरा, किसी वक्त जुमला कहा, तरअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, चौदहवीं का चांद हम पर तुलू हो चुका है, चौदहवीं का चांद हम पर तुलू हो चुका है, सनियतुल वदा की घाटी पर चौदहवीं का चांद तुलू हो चुका है, हम पर शुक्र करना वाजिब है इस नियामत के मुकाबले में, इस नियामत पर अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब है। और मदीनों की बच्चियों को अशआर सिखाए नहीं गए थे, बरजस्ता बोली है, तल अल बदरु, अरे देखो तो सही, चौदहवीं का चांद तुलू हो चुका है हम पर, फिर मेरे नबी यू करके ऊपर ऊँटनी पर सवार हुए हैं और मदीने में खुशी का माहौल बना है, मरकज बनने वाला है, काम खुलने वाला है, हम लोगों के मेज़बान बनने वाले हैं, हमारे घर खुलने वाले हैं, इस्लाम की किरणें यहाँ से पूरे आलम में तुलू होने वाली हैं, फिर आप नीचे उतरे हैं। लेकिन मुसाफा किससे किया, आपके चेहरे पर तो चादर थी, चांद तो था चेहरा, लेकिन अब सिद्दी ने ऊपर, जैसे आप ऊपर आए ऊपर चादर डाल दी, लोगों ने सिद्दीक अकबर को नबी समझकर मुसाफा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी है, अबू बकर थे, और अबू बकर ने यूं नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी नहीं, ये अल्लाह के नबी, क्यों, मेरे नबी थक मारे थके चूर चूर हो गए थे सफर में, अबू बकर तो उनसे ज्यादा थके थे, अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी को नबूवत का बोझ अपने कंधे पर उठाया था और चले हैं, लेकिन कई मेरे नबी को और मुसाफिर से और तकलीफ में पहुंच जावे, आदाब है आदाब, बुजुर्गों की सोहबत में रहकर आदाब सीखने मिलते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की मजलिस, बुजुर्गों की सोहबत, बुजुर्गों की मजलिस से आदाब मिलते हैं, उनके पास बैठने से बुजुर्गों की जिंदगियों की जिंदगी जब सामने आती हैं तो नबवी अंदाज सामने आता है। फिर जब मेरे नबी जब नीचे उतरे हैं और साहब अपने घरों के आगे नबी की ऊँटनी को देख रहे हैं, ऊँटनी कहाँ बैठेगी, मेरे घर पर ऊँटनी बैठेगी, बड़े बड़े अंसारी सहाबा है, उनको पता है हमारी बेटियां यतीम होने वाली हैं और उनको पता है हमारी औरतें बेवा होने वाली है, ये सब कुछ मेरे नबी के आने के बाद होने वाला है, लेकिन नबी का इस्तिकबाल हो रहा है। आपने कहा ऊँटनी की नकील छोड़ दो, खुदा का हुक्म, ऊँटनी जहाँ खुद खड़ी रहेगी वही मेरा मेहमान, वही मैं ठहरूंगा। सहाबा का मजमा, अबू अंसारी का मकान आया, अबू अंसारी का मकान और ऊँटनी वही खड़ी हो गई। अबू अंसारी जिनकी कब्र कुस्तुंतुनिया में है, इस्तंबोल में है, 90 साल का बूढ़ा सहाबी अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने कब्र कुस्तुंतुनिया के पहाड़ों में बनाई है। मदीने के सहाबी, उनके घर पर ठहरी जमात, उनके घर पर मेरे नबी उतरे, फौरन बीवी को बुलाया, घर साफ किया, मेरे नबी को अंदर ले गए कि अल्लाह का हुक्म है। और आपने पहले क्या किया, सबसे पहले फरमाया यहाँ मस्जिद बनानी है नबवी। हालांकि साद मुसअब बिन उमेर ने 1-2 साल पर नबी के पहले आ गए थे, मुसअब बिन उमेर तो मदीना, जब मदीना वालों ने कहा ना हमें एक काम करने वाला अच्छा आदमी चाहिए जो हमें सही तालीम दे, सबसे पहले सान लगाने वाले मुसअब बिन उमेर हैं, सहाबा किराम में अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, हज के मौके पर आए और हज के मौके पर वापस आए। जब वो मदीना पहुंचे तो मदीना में इतना दिन नहीं था, मरकज भी न था, मस्जिद भी न थी, मुसल्ला भी न था। तबलीग वालों को 3 बातें चाहिए काम करने के लिए, मरकज चाहिए,
मुसल्ला चाहिए और क्या चाहिए, मस्जिद चाहिए। तो जोनों की जमात जब अल्लाह ने निकाली तो सारी बातें टूटी कि काम तो दरख्त के नीचे भी हो सकता है, टेंपल में भी हो सकता है, गलियों में भी हो सकता है, खेमे लगाकर भी हो सकता है। और जोनों की जमातों ने लोगों के दिलों के दरवाजे खोल दिए, गंदगियां दिलों से ख़त्म हुई और अल्लाह तो लोग रातों को रोने वाले बने। बड़े बड़े अच्छे किस्म के घरानों के जवान लड़के, भावनगर के मेहमानों के बच्चे, मालदारों के खेमों में रातों को सोए हैं जोन की जमातों में। फिर रात को अल्लाह के सामने जारी की है, मेरे भाइयों जोरों से दरवाजे खुलते हैं, लोगों के घरों के दरवाजे खुलते हैं और रातों की जारी से लोगों के दिलों के दरवाजे खुलते हैं, दिलों के दरवाजे खुले हैं। जब गए तो कुछ नहीं, असद बिन जुरा ने कहा मेरा बोर है, मेरा बोर समझते हो, बोर मेरा कुआ है, वहाँ आप ठहरो और दीन का काम करो। एक साल में मदीने के घर घर में दीन फैला दिया। इतनी बड़ी मेहनत, मुसअब बिन उमैर बड़ी कुर्बानी के साथ आए थे इस्लाम में। जब इंतकाल हुआ उहद के मौके पर, उनकी कब्र शुहदा उहद के पास कब्र है मदीना मुनव्वरा में, अमीर हमजा के कब्र के पास उनकी कब्र मौजूद है। जब उनका इंतकाल हुआ है, कफन का मुकम्मल टुकड़ा उनको नहीं मिला है। ये मेरे नबी ने, अल्लाह ने कुछ सहाबा किराम को मौत इस हालत में दी कि उनको दीन से कुछ न मिला, दुनिया भी न मिली, और मौत इस हालत में आई कि कफन का मुकम्मल कपड़ा उनको मैस से नहीं हुआ, ना मेरे हमजा मेरे नबी के चचा को हुआ, ना मुसअब बिन उमैर को हुआ। और बाद सहाबा किराम को अल्लाह ने दीन के बदले में दुनिया इतनी दी, इतनी दी। ये मिसालें मिलेगी आपको काम में, ये मिसालें हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कभी कभी दीन की बुनियाद पर अल्लाह पाक दुनिया खोलता है, लेकिन दुनिया बतौर आजमाइश की आती है, बतौर इम्तिहान की आती है। और आजमाइश जब आती है ना, और आजमाइश पर अगर आदमी उतरता है तो अल्लाह की मददों का दौर शुरू हो जाता है। काम करने वालों पर हालात के हालात, हालात भयो ख़त्म करने नहीं आते, हालात नागवारियाँ हालात आते हैं तरबियत के लिए, और मदद आती है तसल्ली के लिए। हालात तरबियत के लिए आते हैं ताकि आदमी काम करे। काम करने वालों पर हालात, आज हर तरफ काम करने वाले साथी हालात में हैं, आजमाइश में हैं, नागवारियों में हैं। एक इंसान भी बीमार है, बीमार तो उस पर हालात आएंगे। हालात क्या आएंगे कि शुगर है तो आप शक्कर नहीं खा सकते, कि खून का दबाव है तो आप नमक नहीं खा सकते, आप फ्रूट नहीं खा सकते। भाई मैं क्यों खाऊँ, मैं क्यों ना खाऊँ, कि भाई उसमें आपका इलाज है, आप नहीं खाओगे आपको ठीक हो जाएगा। तो नागवारियाँ आदमी के बनने के लिए आती है। इन नमल अताया अला मतनिल बलाया। अताया तो बलाया, बला मुसीबतों की सवारी पर सवार होकर आती है। अताया तो बख्शी जो मिलेगी बख्शी से, वो मुसीबतों के रास्ते से आएगी। अजर तो नौ फरमा करते थे, हमने सारी की सारी नागवारियों में खैर ही पाई है। अजब अल्लाह सा फरमाते थे, दीन की इब्तिदा नागवारियों से होगी और इंतहा कामयाबी से होगी, और बातिल की इब्तिदा ख्वाहिशात से होगी और इंतहा नाकामी से होगी। इसे मेरे भाइयों हम घबरावे नहीं, हम तो अपनी कुर्बानी की मकदार को बढ़ावे। जितनी हमारी भाई कुर्बानी की मकदार बढ़ती रहेगी, मैं और आप अल्लाह की रहमतों को देखेंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा नबी जी को, इन नलका फिन नहार सबहन तबीला, नबी जी आपको दिन में लंबा तैरना है। यह आयत मक्की है, मक्की मक्का में तो पानी नहीं तो तैरना कैसे होगा। नबी जी आपको दिन, अब तो मक्का में बारिशें होने लगी, हमारे मुल्क के वालों ने वहाँ जाकर यहाँ की मिट्टी जहाज़ों में ले गए और वहाँ मिट्टी लगवाई, तो वहाँ वहाँ कुछ मंजर भी लगा खूबसूरती का, माना खजूर के साथ कुछ उगता नहीं था। वहाँ तो बारिश नहीं होती थी, कभी 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 बारिश। और अल्लाह नबी को कह रहा है, इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला, नबी जी आपको दिन में लंबा तैरना है। लम यकुल मशियन तवीला, लम यकुल सायन तवीला, यूँ ने कहा लंबा दौड़ना है, यूँ ने कहा लंबा चलना है, बल्कि यूँ कहा नबी जी आपको दिन में लंबा तैरना है। और मैं तफसील लिखते हैं, चलने वाला आराम कर सकता है, दौड़ने वाला आराम कर सकता है, तैरने वाला आराम नहीं कर सकता। तैरने वाला आराम नहीं कर सकता, तैरने वाला अगर आराम करेगा उसका डूबना मुकद्दर में है। नबी जी जोहदे मुसलसल है तबलीग,
असहाब सुफा में आप लोगों को पढ़ाओ, हदीस का दर्स दो, इल्म उनको पिलाओ, मुजाहिदीन को तैयार करो, अल्लाह के दिन के दाइयों को तैयार करो और उनको अल्लाह के रास्ते में रवाना करो। एरा कलीमतुल्लाह के अपने घरों को छुड़ाओ, जोहद मुसलसल नबी को दिया है। कब तक है? वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। यकीन की तफसीर उलमा ने, जमहूर उलमा ने मौत से की है। जब तक आप दुनिया से पर्दा न फरमा जाए आपकी जिम्मेदारी है, काम करते रहे। और आपने काम किया है। सहाबा किराम फरमाते हमने नबी को कभी राहत में नहीं देखा, लैसत लहू राहतुन, हमने मेरे नबी को कभी राहत की हालत में नहीं देखा। पर एक रिवायत में लिखा है कि सिन निल बाली, आप तो उम्मत के बारे में गलते गलते खुश्क मस्कीजे की तरह हो चुके थे। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, खुश्क मस्कीजे की तरह। आपने खजूर का मटका देखा होगा, खजूर का जब वो सूख जाता है तो मस्कीजा कैसा हो जाता है। सरवर कोने के हज़ारों नबी पर सलाम व दुरूद हो, इस उम्मत के पीछे रोते रोते मेरे नबी का जिस्म मुबारक कैसा हो गया था। समारे तिर्मिज़ी में लिखा है उनके सिफात के बारे में, 24 घंटे आप दाइमुल फिक्रा गमगीन होते थे। आयशा का बंगला बने नहीं, फातिमा का नहीं, नहीं कुछ नहीं। और यूं कहा, ये अल्लाह आले मोहम्मद को तो कूत नसीब फरमा। कूत, कूत का तर्जमा किया है सिर्फ बकदरे रोजी दे, बकदरे रोजी मेरे खानदान वालों को दे, बकदरे रोजी। आले मोहम्मद को अल्लाह तो कूत नसीब फरमा, कूत का तर्जमा बकदरे रोजी दे सिर्फ। उम्मत के लिए मांगा है, उम्मत के लिए मांगा है। और जब आप जब बहरीन से, जब सहाबा इकराम जब माल लेकर अबू अबद जर्रा जब बहरीन से माल गनीमत लौटा है और मस्जिद नबवी फजर में भर गई, मस्जिद नबवी, हालांकि मदीना मुनव्वरा में और भी मस्जिदें हैं, मस्जिद गमामा है, मस्जिद अबू ज़र है, क़िबलतैन है, मस्जिद जुमा है, मस्जिद फजी है, ये मेरे नबी के ज़माने की मस्जिदें हैं, और भी मसाजिद थी। लेकिन जब पता चला सहाबा किराम को कि मदीना मुनव्वरा में मारे गरीमत अबू उबैदा बिन जर्रा बहरीन से लेकर आए हैं, फजर में मस्जिद भर गई, मारे गरीमत तकसीम होगा, आपने बुलाया नहीं था। तो आपने सलाम फिरने के बाद आपने सबको देखा तो आप चुपचाप चले थोड़े, तो सहाबा किराम यूं नबी को देख रहे हैं। मैं रिवायत बता रहा हूँ आपको पूरी। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, बहरीन का माल सुनकर आए हो फजर में। सहाबा किराम तो बेतकल्लुफ, नाम या रसूल अल्लाह, हमने सुना कि माल गनीमत आया है तो हम माल गनीमत सुनकर आए कि आप तकसीम करेंगे। तो आपने आगे की बात फरमाई, ए मेरे सहाबा की जमात, तुम पर अल्लाह माल को खोल देगा, माल को खोल देगा, लेकिन क्या होगा कि तुम में तनाफुसों का तनाफुस, कंपटीशन होगा। मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, उसके ग्राहक को मैं छीन लूं, उसके ग्राहक को मैं छीन लूं, और तुम में तनाफुस होगा माल में। फिर क्या होगा, जिस तरह अल्लाह ने बनु इसराइल को हलाक किया, अल्लाह तुमको भी हलाक करेगा। इस सिफत की वजह से मेरे नबी ने माल की मोहब्बत उनसे निकलवानी शुरू की। तो मोहब्बत तो बाय फितरी चीज़ है, लेकिन हुदूद है, हुदूद कि हुदूद में रहकर काम करना, अल्लाह के दीन के तकाज़ों के साथ हमें चलना। मेरे नबी की ज़िंदगी पूरी दावत में गुजरी, इसलिए आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम जब अपने घर पर आए ना गार हिरा में जिब्राइल को देखने के बाद, तो अपनी आप घबरा गए थे, मशहूर रिवायत है। और घबराने के बाद आपने जब चादर ओढ़ी है, या खदीजा जम्मिलूनी जम्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिर, मुझे चादर ओढ़ा, मुझे डर लग रहा है। जिब्राइल की असली शक्ल देखी आपने, इतना बड़ा फरिश्ता गार हिरा पर उतरा है, मुकद्दस मकामात सरजमीन अरब में जिब्राइल जैसा फरिश्ता उतरा है, और अल्लाह के नबी का पहला दिन जिब्राइल को देखने का असली शक्ल में। उलमाए तफसीर कश्यप भी एक बात लिखी है कि चादर को ओढ़ कर सोना सुन्नत है, उससे आदमी का गम हल्का हो जाता है, अगर टेंशन हो टेंशन कम हो जाता है, मेरे नबी की सुन्नत है। जैसे आप सोए ना चादर ओढ़ कर, और हजरत खदीजा मेरे नबी की ज़िंदगी से वाकिफ थी, बीबी अगर शोहर की तारीफ करे तो शोहर कामयाब है, पूरे बस्ती वाले कहे माशाल्लाह हजी साहब बहुत ज़ोरदार है माशाल्लाह, लेकिन बीवी बीवी को जाकर तो पूछो कैसा है। मेरे नबी ने फरमाया, आदमी की कामयाबी की निशानी ये है उसके पड़ोसी और उसकी घरवाली इसकी तारीफ करें।
पड़ोसी यूँ कहे बहुत भला आदमी है तो भला है अल्लाह की निगाह में, अगर पड़ोसी उसकी बुराई करे तो अल्लाह की निगाह में वो भला नहीं है। अच्छा खदीजा मेरे नबी के बारे में करिया कह रही है वल्लाही अल्लाह की कसम अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा, लन युख्ज़ी का अबदा, कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? मेरे नबी के अखलाक की पहलू खोले। नबी आप तो लकसदुर रहीम व तकसिमुल मअदूम व तुईरु अला नवाइबिल हक, आपके वो अखलाक है और आपका वो कल्चर है, आप तो गरीबों पर रहम खाने वाले हैं, आप तो उम्मत को जोड़ने वाले हैं, विवाहों पर रहम करने वाले हैं, कभी मेरा अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत खदीजा मेरे नबी को तसल्ली दे रही है, अल्लाह ने कलामुल्ला की नंबर दो किया था आसमान से फ़ौरन उतारी, या अय्युहल मुद्दसिर, ए चादर को ओढ़ने वाले नबी, कुम फअंदिर, खड़े हो जाइए। फा ताकीद माल वस्त्र के लिए आता है, उलमा जानते हैं खड़े होते ही नबी आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे बंदों को जहन्नम के आजाब से डराइए। वअंदिरहुम यौमल आज़िफा वअंदिरहुम यौमल हसरा, आप डराइए। कुमकुम हबीबी कम तनाम अश्शम्सु वल क़मरु ला यनाम, नबी सूरज भी सोता नहीं चाँद भी सोता नहीं और आप सो गए, खड़े हो जाए। कुम फअंदिर और रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की बड़ाई को बयान कीजिए, अल्लाह की ताकत को बयान कीजिए, अल्लाह की किबरियाई को बयान करें। जब ये कलामुल्लाह की आयत जब नाजिल हुई है, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त चादर को यूँ फेंका और कहा या खदीजा अल फिराश ला राहत बाद अल यौम, ये खदीजा मेरे बिस्तर को लपेट के रख ले, आज से मेरे आराम के दिन चले गए, आज से मेरे आराम के दिन चले गए। इन कतग अय्याम नौम वर रहा, आज से मेरे आराम के दिन भी चले गए और आज से मेरे सोने के दिन भी चले गए। जिम्मेदारी, इंसान भाई जिम्मेदारी की बुनियाद पर नहीं थकता, जिम्मेदारी के एहसास पर इंसान थकता है कि मैं करूँगा कि नहीं कर सकूँगा। भाई मेरा और आप, आज हम जिम्मेदारी का एहसास छोड़ दिया है। खुदा करे हमारा मजमा ऐसा मुतवज्जे हो जाए, नौजवानों का मजमा जो हमारी पुरानों की कदर करने के साथ साथ और हमारे उलमा की कदर करने के साथ साथ मैदान दावत में आवे और एक एक घर घर की मुलाकातों के जरिए उम्मत को फिर दिन की मेहनत पर लावे। फिर देखो भाई पालमपुर का माहौल और हमारे इलाके का माहौल कैसा तरक्की कर सकता है। उठने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त आप हज़रत खदीजा के सामने रोए हैं और आपने ये कहा कि खदीजा अल्लाह ने मुझे पूरे आलम का नबी बनाकर भेजा है। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं पूरे आलम का नबी, इंसानों का नबी, मैं जिन्नातों का नबी, मैं फरिश्तों का नबी, मैं जमादात का नबी। हज़रत अली फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी के साथ था और मदीना मुनव्वरा में भी जिस कंकर के पास से गुजरता था उस कंकर में से आवाज़ आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैं जिस पत्थर के पास से गुजरता था उस पत्थर में से आवाज़ आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे नबी की दावत है हर जगह पर। आप सहाबा के साथ काफिले में हैं, एक बदबी मिला, बदबी एक गो को शिकार करके आ रहा था, आपने कहा बदबी मेरे दीन की बात सुन ले, मैं अल्लाह का नबी हूँ तेरा भला हो जाएगा। बदबी आज भी बदबी ऐसा ही है, आपको मदीना मुनव्वरा की खजूर मार्केट में बदबी मिलेंगे और अक्सर टैक्सी चलाने वाले जो होते हैं वो बदबी होते हैं, बदबी मक्का मदीना में देहातों के रहने वाले, उनका मिजाज बदबी होता है। तो कहे बदबी दीन की बात सुन ले तेरा भला हो जाएगा, तो उस बदबी ने क्या कहा तेरी बात मैं सुनूँ। उसने यूँ करके गो निकाली अपने पालान से मरी हुई गो, जमाने जाहिलियत में अरब लोग गो खाते थे, गो को निकाली कही एक गो तुझ पर ईमान लावे तो मैं तुझ पर ईमान लाऊं वरना लकतल तो सर रफत कतिल, इसका तर्जमा मैं नहीं करता, नऊज़ु बिल्लाह मैं नुकसान करूंगा तेरा। नबी मेरे नबी को कह रहा है। आपने कहा अच्छा आप तो बहुत संजीदा थे, संजीदा आपका हया का जेवर सब्र था, आप तो सब्र के मजबूत पहाड़ थे, खुश अखलाक थे। भाई आपकी ज़िंदगी पढ़ो, समाइल तिरमीज़ी में उलमा के पास बैठो, मेरे नबी का कल्चर, नबी का कैरेक्टर, मेरे नबी की ज़िंदगी, मेरे नबी का अखलाक, नबी का हिल्म, नबी के सिफात, नबी का तवक्कुल और नबी का मुजाहदा पूरा खोला है, कैसी मेरे नबी की ज़िंदगी। तो आपने गो को कहा या जब, आपने गो को दावत दी तो गो ने आँखें खोली और अपना मुँह ऊंचा किया, अगर लब्बैक व सअदैक या ज़ैनब अल वाफा यौम अल क़ियामा,
एक क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले नबी मैं हाजिर हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा अजाब बिलिसान अरबी फसीह मुबीन, अरबी में जवाब फसाहत में, क़यामत के दिन को रोशन करने वाले क्यों कहा कि क़यामत का दिन सख्त अंधेरों का दिन होगा, अज़्ज़ुल्म ज़ुलुमात यौमल क़यामा, सख्त अंधेरों का दिन, वहशतनाक दिन, के नबी भी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, खतरनाक माहौल होगा, नबी आपकी बरकत से क़यामत का दिन भी रोशन हो जाएगा। वो यूँ कह रही है लब्बैक वसअदैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़यामा। फिर आपने पूछा मन तअबुदु, पहला ईमान का सवाल, तो किसकी इबादत करती हैं? तो गोले जवाब दिया वफिस समाअ अरशुहु वफिल अर्द सुल्तानुहु वफिल बहर सबीलुहु वफिल जन्नति राहतुहु वफिल नारि इक़ाबुहु। मैं उस खुदा की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसके मुस्तकर करदा रास्ते समंदरों में है, जिसकी हुकूमत ज़मीनों पर है, जन्नत में आराम है, जहन्नम में सज़ा है। फिर आपने कहा मैं कौन हूँ, मन अना, मैं कौन? कान तो खातिमुन्नबीगीन वानत इमामुल अंबिया, आप तो खातिमुन नबीगीन हैं और आप तो नबियों के इमाम हैं। कद अफलह मन सद्दका वकद खाब मन कज़्ज़बका, आपकी तस्दीक करने वाले कामयाब हो गए और आपको झुठलाने वाले नाकाम हो गए। गोने नबी की तस्दीक की है, देहाती ईमान कबूल करके चला गया। तो आपने कहा खदीजा अल्लाह ने मुझे पूरे आलम का नबी बनाकर भेजा है, हर जगह सनम का माहौल है, बाज़ारों में देखो तो सनम की सदाएँ, समंदरों में देखो तो सनम की आवाज़ें, हर जगह सनम सनम का माहौल है, बैतुल्ला में 300 साल समय है। ए खदीजा सनम के माहौल में समझ की बात को कौन सुनेगा? कहा या रसूल अल्लाह आप घबराए नहीं, अंत अव्वलु मन तदउ अना अव्वलु मन अस्तजीबु, आप दावत देने में पहल करें, मैं लब्बैक कहने में पहल करूँगी, सबसे पहले मेरे नबी की इबादत खदीजा ने मानी है। पर इतनी मानी इतनी मानी, खदीजा मक्का की मालदार तरीन ताजिरा औरत थी, लुटाते 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 सारा माल नबी के हाथ पर बैठ होने के बाद दीन की मेहनत पर लुटा दिया है। मेरे नबी ने एक वो दीन देखा, चश्मे फलक ने देखा और मक्का की ज़मीन ने देखा। आप जोहर के बाद घर पर आए, घर में रोने की आवाज़ें, पूछा खदीजा घर में कौन रो रहा है? कि या रसूल अल्लाह घर में फाका मेहमान बन के आ चुका है, आपकी बच्ची हमारे भूख की रो रही है, ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे कुलसुम भी रो रही है, कौन बाप अपनी बेटी के दुखड़े को बर्दाश्त कर सकता है? वे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियां है, जन्नत की औरतों की सरदार है, घरों में खाने के फाके हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू आए, आप घर पर नहीं गए, आप सफ़ा पहाड़ी पर गए, जहाँ से हाजी सफ़ा की सही करता है, वो कैफियत वहाँ ला कर देखो। उस सफ़ा पहाड़ी में जिब्राईल खड़े थे और जिब्राईल को जाकर यूँ का या जिब्राईल والذي نفس بيده محمد ما امثال اهل محمد كفه عما شعير اے جبل ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی دار ہے آج میری بیٹیاں بچیاں گھر پر موجود ہیں مٹھی جو بھی میرے پاس کھلانے کے لیے موجود رہی تب جا کر میرے بھائیو دنیا میں دین چمکا ہے कुछ मिटते हैं तो कलियों को वजूद मिलता है, कुछ पत्थर ज़मीन में दफन होते हैं तो इमारत को रंग मिलता है, तब जाकर आलम में इस्लाम चमका है, इस्लाम का झंडा पूरे आलम में लहराया है, घरों में बच्चे यतीम हुए हैं। वहद के मौके पर 70 सहाबा के शहीद होने के बाद मदीने की छोटी बस्ती में चीखों पुकार की आवाज़ आई है। जब अमीर हमजा शहीद हुए उन पर रोने वाला कोई नहीं था, वो मदीने नहीं थे, वो मक्की सहाबी थे। मेरे नबी ने कहा अला अमा हमजा फला बवा की अला अमा हमजा फला बवा की, हाय मेरे हमजा पर रोने वाला कोई नहीं है, हाय मेरे हमजा पर रोने वाला कोई नहीं है। नबी ने दुखड़े बर्दाश्त किए हैं, तब जाकर मेरे भाई आलम दीन पहुंचा है। ये पालमपुर है, पालमपुर, पालमपुर पूरी दुनिया जानती है, दुनिया का बच्चा बच्चा पालमपुर के इलाके को जानता है, उनको पता है यहाँ से दुनिया में जमातें निकलती हैं, सारी जमातों ने यहाँ ठंडा सांस लिया है, यहाँ से ठंडी राहतें ली है, जिंदगी के बदलने के फैसले पालमपुर के इलाके में आकर किए हैं। कितने लोगों ने अपनी सलवारें और अपने पैंट बदल के अपने चेहरों पर अपनी सुन्नत लिबास पहना है, सरों पर टोपियां डाली है, रातों को अल्लाह का जो रो रहे के तौबा की है। अल्लाह हमारे यहाँ पालमपुर का माहौल बना दे। उस बस्ती वाले हम हैं मेरे भाइयों, मदीना वालों ने कदर की पूरे आलम दीन फैला है, पालमपुर वालों कदर कर लो, अपनी जवानी को नबी की मेहनत पर लगा दो, अपनी जवानी को उलमा की खिदमत में लगा दो और अपनी जवानी को बुजुर्गों की सोहबत में लगा दो और दीन की मेहनत में लगा दो। यहाँ की जमातें मुल्कों में चले, यहाँ की जमातें आलम के चप्पे चप्पे में फिरे, दीवानावार फिरते
की हो। हजम सफरमा में दो बातें चाहता हूँ, एक बात मैं चाहता हूँ हमारी जमाते करिया ब करिया, अकलीम ब अकलीम, शहर दर शहर हमारी जमात दीवाना दीवाना वहाँ दुनिया में घूम रही हो, उनको कुछ पता ना हो। दूसरा मैं एक बात चाहता हूँ, हर साथी की ये तमन्ना हो मेरा काम अल्लाह के रास्ते में जान को खपा देना है। मैं सब तैयार हूँ उसके लिए माशाल्लाह। ईशा का वक्त हो चुका माशाल्लाह, हमारा इज्तिमा फरवरी का हमारा इज्तिमा सामने है। आपने भाई खूब जमात अल्लाह के रास्ते में दी है, मुतमईन नहीं होना, हमें कुर्बानियों का जीना बनना है, चबूतरा नहीं बनना, बलन अपने अखलाक का करता चला जा, जमाने के दिलों में उतरता चला जा, इधर जख्म पे जख्म खाता चला जा, उधर सारे आलम पे छाता चला जा, दुनिया तुझको याद कर करके रोवे तो दुनिया से मुस्कुराता चला जा। तेरी कुर्बानी को देख लोग आंखों से आंसू बहाते हो, या वो हजरात भी थे जिनके बरकत से मैं नमाजी बना। भाइयों आप दुनिया से चले जाओगे, आपका सितारा बलंद दुनिया में ख़त्म नहीं होगा, सूरज आपका कभी नहीं डूबेगा। उमर साहब को कौन भूला है, ब्राज़ील जाओ मौलाना उमर को याद करते हैं, फिजी जाओ मौलाना उमर को याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरगुजारी में जाओ, अफ्रीका के सहराओं में जाओ, अरब के रेगिस्तान में जाओ, उनकी ज़बानों पर शेख उमर पारंपरिक का नाम आपको सुनने मिलेगा। एक गठामन की बस्ती का आदमी, वो कौन सी चीज़ थी जिसे पूरे आलम में मोहब्बत को पिला दिया, ये तो दावत की कुर्बानी थी। बम्बई की मस्जिद से चार मेरों में निकाला, जिंदगी लगा कर यूँ कहते थे आज तक मेरे चार मेरे पूरे नहीं। इसे मेरे भाई इरादे करो माशाल्लाह कि हम भी इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। अब बताओ माशाल्लाह आपकी जो तरतीब इस्तीमा से चाचा मेनों की, उसके लिए बताओ कौन कौन अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है। खड़े होकर नामों को पेश करो।